हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी कल रात को, ही बहुत तेज़ बुखार आ गया था, फीवर हो गया था। हमने डॉक्टर नितिन केरवाल टाइम से आ गए अब मेडिसिंस लेके, और उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था और मैं सही हो गई थी। थोड़ी देर बाद सो गई थी तो तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी इतनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऑफिस आई हूँ लेकिन बिल्कुल वीक फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। वूलन सूट पहन के आई हूँ और ये कश्मीरी शॉल लेके आई हूँ अपने साथ में। बहुत गर्म शॉल है इसलिए इसको करी करा है मैंने। सुबह से बस सोच ही रही थी कि वीडियो बनाऊंगी आज, कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना था लेकिन बस बना ही नहीं पा रही थी। अभी बस एकदम से मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनानी चाहिए। तबीयत का क्या है? आप सब मेरा परिवार हो, मेरी बहनें हो, मेरे अपने हो, तो तबीयत खराब होगी, संजना साइमन सुंदर नहीं लग रही होंगी, तब भी आप लोग मुझे प्यार करोगे। आप लोग मेरे को दिल से प्यार करते हो, मेरी शक्ल सूरत से या मेरे पहनावे की वजह से प्यार नहीं करते हो। और बस इसी बात को मैंने ध्यान में रख के सोचा कि यार अगर मेरी बहनें होंगी तो मुझे प्यार करती होंगी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ। मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए कि YouTube मेरा एक परिवार है और मेरी सारी ट्रांस कम्युनिटी की सिस्टर्स यहाँ पे मेरे को देखती हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि डॉक्टर नितिन केरवाल, जो कि मेरे सोलमेट हैं, जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ, और मुझसे बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि डॉक्टर नितिन केरवाल को भी कैमरे पर लेके आइए और वो क्यों नहीं कैमरे पे आते हैं। तो मैंने और डॉक्टर नितिन केरवाल ने डिसाइड करा कि हमने डॉक्टर नितिन केरवाल का एक यूट्यूब चैनल बनाया है। और मैं, आपको पता, मंत्रालय में जॉब करती हूँ तो काफ़ी बिजी हो जाती हूँ अपने काम में, कभी कभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और डॉक्टर नितिन केरवाल अपना क्लिनिक रन करते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं, तो मॉर्निंग में 3-4 घंटे उनको टाइम मिल जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में अमूमन ऐसा होता है कि लोग अपने अपने ऑफिस में होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो सीरियस पेशेंट्स ही जो होते हैं मॉर्निंग में आते हैं। तो डॉक्टर नितिन केरवाल को मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, 1-1.5 घंटा वो फ्री रहते हैं वहाँ पे, तो जिसमें वो अपना खुद का भी स्टडी कर रहे हैं, अपनी खुद की तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं आगे की। और जैसा कि आपको पता है, वो LGBTQ कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो, अगर वो संजना का सपोर्ट कर रहे हैं तो संपूर्ण ट्रांस कम्युनिटी का सपोर्ट करते हैं, इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर नितिन केरवाल जी को ये बात कही कि भाई सब लोग चाहते हैं कि आप मीडिया में आइए सामने, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना खुद का चैनल बनाता हूँ और मैं मीडिया में आऊँगा और मैं मीडिया में सबसे बातें करूँगा। जो भी ट्रांस फ्रेंड्स को तुम जवाब नहीं दे पाती हो अपने चैनल में या अपने इंस्टाग्राम में, तुम बिजी रहती हो, नहीं बात कर पाती हो, तो मैं उन लोगों का रिप्लाई भी क्या करूँगा। काफ़ी नॉलेज है डॉक्टर नितिन को, बहुत नॉलेज है, मतलब अगर मेडिकल से रिलेटेड बात करती हूँ तो उनको बहुत नॉलेज है, और उनको बहुत सारे टर्म्स की भी नॉलेज है। और क्योंकि वो बिफोर सर्जरी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सर्जरी से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो डाइट होती है या जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं एक ट्रांस वुमन की लाइफ में, वो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो मुझे लगा कि हाँ, हर बात का आपका जवाब दे सकते हैं, और कोई बात अगर ऐसी होगी जो वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम दोनों डिस्कस करके भी उस काम को कर सकते हैं इजीली। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और परमेश्वर की बहुत असीम अनुकंपा कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने अपना खुद का एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा लिया है, और मेरे ट्रस्ट का नाम है लव द नेबर ट्रस्ट। ये मेरा अपना सपनों का ट्रस्ट है जिसमें मैं बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी परिवार के लिए काम कर रही हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में पिछले 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन कोई बैनर नहीं था, कोई एक कहते हैं ना, जब जड़ नहीं होती है तो पूरा पेड़ जो होता है वो एक वजूद के बिना होता है, तो वजूद होना बहुत ज़रूरी है। मेरे 3 साल की मेहनत, जब से मैं दिल्ली में हूँ तब से अब तक की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं बेकार जा रही थी, बर्बाद जा रही थी। और मुझे काफ़ी एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट करा कि संजना, जब तुम इतने ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हो, इतने सारे लोगों के लिए कर रही हो, तो बेटर है कि अपना एक ट्रस्ट या NGO रजिस्टर्ड करो और उसके तहत काम करो, ताकि कल के दिन गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सके और आप ट्रांस कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सको।
और मुझे ये रियलाइज़ तब हुआ जबकि हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट आया करते थे ट्रांस कम्युनिटी के कि दीदी आप हेल्प कीजिए, दीदी हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, हमें ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। तो मुझे सब चीज़ समझ में आने लग गई कि यार मेरी कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ सलाह या एडवाइस नहीं चाहिए बल्कि उनको हेल्प भी चाहिए। और संजना साइमन देखिए कोई बिरला अंबानी या कहीं किसी बहुत रईस खानदान से या किसी रजवाड़े खानदान से नहीं है, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई और अपनी मेहनत कर रही हूँ, आज भी जॉब करती हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो ऐसे में मैं आपकी वो सारी हेल्प तो नहीं कर सकती हूँ जो कि आप मुझसे चाहते हैं, लेकिन हाँ अगर मेरे ट्रस्ट को सपोर्ट करते हैं आप लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसकी फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग का जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें आप लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, तो बहुत जल्दी इस ट्रस्ट को सरकार का कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर मिल जाएगा। और एक बार प्रोजेक्ट मिलने के बाद में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब हाथ में पैसे होंगे तो उस पैसे के साथ में आप लोगों को नौकरी भी दी जाएगी, आप लोग को मेडिसिन और ब्लड टेस्ट हो सकता है मैं फ्री भी अवेल करवा दूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से वो हेल्प मिल रहा होगा। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अभी तो मैंने 3 साल बर्बाद कर दिए, लोगों ने अब समझाया है कि भाई ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाओ और पूरी तरीके से इसमें जुड़ जाओ, काम करो। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे ट्रस्ट को डॉक्टर नितिन सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत जल्दी हम आप लोगों के साथ में अपने 2 ऑफिशियल नंबर शेयर करेंगे, एक नंबर मेरे ऑफिस का होगा और एक नंबर डॉक्टर नितिन केरवाल जी का होगा जो कि हैंडल कर रहे हैं। और बताना चाहूँगी कि मेरे ट्रस्ट का नाम है लव दाई नेबर ट्रस्ट, लव दाई THY दाई नेबर ट्रस्ट, यानी कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ और जीसस ने कहा है कि सबको प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तो मैंने उसी बात को लेके एक मुहिम चला दी है, एक लड़ाई छेड़ दी है कि जब कहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो तो क्यों नहीं अपने पड़ोसी से प्रेम करा जाता है। क्या ज़रूरी है कि प्रेम करने के लिए पड़ोसी औरत या आदमी हो? एक पड़ोसी ट्रांस वुमेन भी हो सकती है, एक गे भी हो सकता है, एक लेस्बियन भी हो सकती है, एक किन्नर भी हो सकती है, एक विकलांग भी हो सकती है, एक मन बुद्धि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक पड़ोसी का मतलब है कुछ भी हो सकता है। वो एक पड़ोसी अपने आप में रहस्य है, इसका मतलब कि जो भी इंसान आपके साथ में है, जो भी इंसान आपके साथ आपके वर्क प्लेस में है तो वहाँ आपका पड़ोसी हो गया, घर के पास तो आपका पड़ोसी हो गया, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं बस में आपके बगल में बैठा हुआ तो वो भी आपका पड़ोसी है, आप कहीं जा रहे हैं कुछ काम कर रहे हो और आपके साथ में कोई लोग चल रहे हैं साथ में, वो भी आपके पड़ोसी हैं। तो आपको हर किसी को प्रेम करना है, प्रेम की दृष्टि से देखना है। तो मुझे ये टॉपिक, ये नाम बहुत ज़्यादा क्लिक करा, मुझे लगा कि जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ समान अधिकार की, स्वतंत्रता की और हमारी अभिव्यक्तियों की, उसके लिए लव द नेबर ट्रस्ट से अच्छा नाम शायद ही कोई हो सकता है। क्योंकि नेबर हर वो शख्स है जो आपके साथ है और हर वो शख्स प्यार के लिए बना है, हमें प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ में लव द नेबर ट्रस्ट की स्थापना हो चुकी है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो चुका है, संजना साइमन की 3 साल की मेहनत इस ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई है। आप लोग प्लीज़ मेरे ट्रस्ट को सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों से नंबर शेयर करूँगी, उस नंबर पर आप लोग कॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हम आप लोगों को अपने ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शेयर करेंगे, आप लोगों को उसको फिल करके और दोबारा से हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप PDF में डाल सकते हैं ताकि हम उसको प्रिंट आउट करके उसको अपने फाइल में अटेस्ट कर ले, ताकि एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और एक बार अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा तो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेने में भी आसानी रहेगी। तो ये एक मेरी रणनीति है, मुहिम चला रही हूँ आप लोगों के और अपने अधिकार के लिए। मैं संपूर्ण LGBTQ कम्युनिटी के लिए कार्य कर रही हूँ लेकिन विशेष रूप में मैं काम कर रही हूँ ट्रांस वुमेन के लिए, क्योंकि जब मैं एक जेंडर से दूसरे जेंडर में आ रही थी तो जो सबसे पहला स्टिग्मा मुझे झेलना पड़ा वो था कि तुम नीरज से संजना नहीं बन रही हो बल्कि नीरज से एक किन्नर बन रही हो, एक हिजड़ा बन रही हो, छक्का बन रही हो। ऐसे गंदे गंदे शब्द बोले गए, ऐसे गंदी गंदी बातें मुझे सुनने को आई और मेरे परिवार वालों ने भी ऐसी बातें मुझे बोली तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है एक्चुअली और हमें इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है। हमें बताने की बहुत आवश्यकता है कि एक मेल से फीमेल बना जा सकता है और एक फीमेल से मेल भी बना जा सकता है। ये बीच के रास्ते जो हैं, ये समाज की गंदी सोच है, इसको दूर करिए।
इसलिए मैं अधिकार की बात करती हूँ ट्रांस वुमेन के, क्योंकि मैंने वो सारी तकलीफ़ें झेली हैं। मैं जानती हूँ कि हम ट्रांस वुमेन हैं, यानी कि हम एक वुमेन हैं, बिल्कुल अच्छे से वुमेन है। तो हम जब वुमेन हैं तो हम वुमेन की कैटेगरी में ही जीना चाहते हैं, वुमेन के समान जीना चाहते हैं, वही रिस्पेक्ट और वही प्यार हम चाहते हैं। हम इसके अलावा कोई और शब्द अपने लिए बर्दाश्त भी नहीं करते और ना ही हमें पसंद है। हमें तो ट्रांस वुमेन कहलाना भी पसंद नहीं है, हमें तो सिर्फ वुमेन कहलाना पसंद है। तो जब हमें ट्रांस वुमेन भी इतना पसंद नहीं है, तो आप किस तरीके से सोच सकते हैं कि हम अपने आप को किसी और शब्द के साथ में समझौता कर लेंगे? हम नहीं कर सकते, और हमारी अपनी एक पहचान है। संजना साइमन उसी पहचान के लिए काम कर रही हैं, लवदा नेबर ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग को सेवाएं प्रदान करने जा रही हैं। हो सकता है कि इसी हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक मैं एक अच्छी वीडियो के साथ में आप लोगों से फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस शेयर करूंगी अपने ऑफिशियल लवदा नेबर ट्रस्ट के अकाउंट का। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी अपील करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने सोलमेट डॉक्टर नितिन केरवाल जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट करा है और मुझे सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ ट्रांस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन बहनों का मैं जवाब इंस्टाग्राम में नहीं दे पाती हूँ, वो सारी उन्हें मैसेजेस करती हैं, और डॉक्टर नितिन केरवाल बहुत ही सलीके के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, उनके भाई होने के नाते उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो डॉक्टर नितिन केरवाल जो है वो लव द नेबर ट्रस्ट के रिस्पेक्टेड मैनेजर है, और वो मैनेजर के पद पे कार्यरत है। मैनेजर के पद पे वो लव द नेबर ट्रस्ट को संभाले हुए हैं। मैं लव द नेबर ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर फाउंडर हूँ, और डॉक्टर नितिन केरवाल लव द नेबर ट्रस्ट के रिस्पेक्टेड मैनेजर साहब हैं। तो आप लव द नेबर ट्रस्ट के मैनेजर साहब डॉक्टर नितिन केरवाल जी की सेवाएं भी ले सकते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल को, जो कि @DrNitinKerwal के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और उनके जो इंस्टाग्राम आईडी है नितिन केरवाल के नाम से, आप उसमें भी अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे भी उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको पर्सनल तरीके से बात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतनी बातों के लिए कहूँगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहती हूँ, थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे ट्रस्ट को सपोर्ट कीजिए, लव द नेबर ट्रस्ट आपका ट्रस्ट है और आपकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए काम कर रहा है। साथ ही साथ में डॉक्टर नितिन केरवाल जी को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के भाई हैं, बड़े भाई हैं, आप लोग को उनका मार्गदर्शन चाहिए या उनका सपोर्ट चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग में उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी उनकी स्टार्टिंग है, तो आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप उन लोग को सब्सक्राइब करके इतना उनको कॉन्फिडेंस दे दीजिए, उनको आत्मविश्वास दे दीजिए, उनको ये रियलाइज़ करवा दीजिए कि ट्रांस कम्युनिटी उनको प्यार करती है एक ब्रदर के नाते, भाई के हैसियत से, ताकि वो भी अपना संपूर्ण तरीके से जो रुझान है या अपना जो सपोर्ट है वो ट्रांस कम्युनिटी को दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो से विराम लेती हूँ। संजना साइमन यूट्यूब चैनल की तरफ से, बाय।